जैसा कि हमें पता है कि हमारा देश भारत एक विकासशील देश है, तो ऐसे में हमारे देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर वर्तमान में काम चल रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट भविष्य में प्रस्तावित हैं। किसी भी विकासशील देश को विकसित होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में सुधार करना बहुत ही जरूरी है, जिनमें की रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1911 को कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और तब से लेकर आज तक हमारे देश में एविएशन सेक्टर का विस्तार होता चला गया और वर्तमान में हमारे देश में लगभग 14 करोड़ पैसेंजर प्रति वर्ष हवाई जहाज से यात्रा करते हैं और यह संख्या 16.3% पर ईयर के रेट से ग्रो कर रही है। और आज हमारा देश भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर स्थान हासिल करता है नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल बाय एरोप्लेन के मामले में। तो ऐसे में वर्तमान में हमारे देश में जो भी एयरपोर्ट्स मौजूद है तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है और बहुत सारे एयरपोर्ट्स तो अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार भविष्य को देखते हुए हमारे देश में बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स को बनाने की आवश्यकता है, एविएशन सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और शुरू करते हैं। अब नंबर 2 पे बात करते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि महाराष्ट्र के मुंबई के सबअर्बन एरिया में बनाया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जिसको कि नवी मुंबई के पनवेल के उल्वे कोपर विलेज में बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई में पहले से ही छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, क्योंकि मुंबई महानगर काफी तेजी से विकास कर रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है और मुंबई महानगर में दिन प्रतिदिन फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई को एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है। तो इसीलिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया के नवी मुंबई के पनवेल में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में टोटल 7,200 एकर्स के लैंड एरिया को एक्वायर किया जाएगा, जिसमें 2,900 एकर्स के एरिया में एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और बाकी के एरिया को एयरपोर्ट से जुड़ी एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाएगा। इस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कुल 2 रनवेज होंगे और प्रत्येक रनवे की लंबाई 3,810 मीटर होगी। यह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इस एयरपोर्ट को टोटल 4 फेज में डेवलप किया जाएगा। इस एयरपोर्ट को कुछ क्लियरेंस मिलने में काफी डिले हुआ और एनवायरमेंटलिस्ट इस एयरपोर्ट के अगेंस्ट में काफी लंबे अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अंततः जाकर अब सब कुछ ठीक हुआ है और इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य बहुत जल्द ही शुरू होगा। और वैसे भी मुंबई में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो और उसके अगेंस्ट में एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा प्रोटेस्ट ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इस एयरपोर्ट के फेज 1 का काम कम्प्लीट हो जाने के बाद इसकी क्षमता 20 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी और पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इसकी क्षमता 90 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। इस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 16,700 करोड़ रुपए के लागत में बनाया जा रहा है और इस एयरपोर्ट के फेज 1 का काम 2023 में कंप्लीट हो जाएगा और यह एयरपोर्ट 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगी। ये तो था हमारे देश में बन रहे टॉप 5 लार्जेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट की जानकारी। इन सभी एयरपोर्ट्स का काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी से ग्रोथ होगा और क्योंकि ये सारे एयरपोर्ट्स पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट्स है तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी आ पाएगी। तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।